today I am going to solve some objective questions related to online examination. देखिए आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, इसलिए आप चैप्टर 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज कर देंगे। उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल में ABCD करके दिया होगा, जो ऑप्शनल जो आप सोल्यूशन के बाद आपका आएगा उसको आप टिक करेंगे। ओके, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन सर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम पैटर्न जो दिए हुए हैं और इस पैटर्न को आप देख लीजिए, हाउ मच डज 2 exceed -3। इसमें ऑप्शन 4 पर दिए हुए हैं, 5 -5, 1 -1। अब देखिए सोल्यूशन निकालना है कि 2 -3 से कितना जाता है, तो इसमें से -3 को माइनस कर देंगे 2 में से, तो --+ हो जाएगा, आंसर आपका 5 होगा। आप 5 पर क्लिक करेंगे, व्हाट प्लस की सब्स्टिट्यूट फ्रॉम -1 में से क्या माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो इसमें से जो इसको माइनस करेंगे तो ये --+ हो जाएगा, -1 + 6 = 5, इसका भी 5 ही आंसर होगा। हाउ मच लेस देन 2 इज -6। अब उसी तरह कि -6 2 से कितना छोटा है, तो इसको माइनस कर दीजिए -6 2 -+6 = 8, आंसर 8 होगा। इसलिए इसको सोल्यूशन कर देंगे, इसमें ठीक क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसी तरह मान लो 8 दिया हो, -8 दिया हो, मान लो यहाँ की तरह 8, बी में -8, सी 0, इसी का भी डी नाम रख दी, तो इस पर क्या आपका आंसर होगा, 1 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, और सब्ट्रैक्टिंग 4 from -4, 4 फ्रॉम के बाद हमने बताया हम डी लिखा जाता है पहले, तो -4 को पहले लिख दिए, फ्रॉम के लिए माइनस दे दिए, इसको इसके बाद लिखिए, क्या आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे, इसका सम नेगेटिव होगा, -8 चल रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। इसी तरह से सोल्व करना है, सोल्व करके निकालना आपको जो है एक क्वेश्चन पर नियर अबाउट 2 मिनट्स मिलेंगे, और इसको ऐसा नहीं है कि इसी तरह से टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए सोल्व करा। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 में से क्या बेटा है कि -9 है, इसको माइनस कर देंगे, -3 और -+9 = 6, तो 6 का तो ऑप्शन दिया होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपका आंसर क्या होगा, ये 6 होगा। अब आइए और देखते हैं, अब देखिए ये डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या है, डिवीजन में जानते हैं कि अगर नेगेटिव होगा तो -+ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अब 9 टेबल में 36 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, अगर -- कैंसिल हो गया प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 / -5, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, किसी नंबर से भाग देंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसमें 0 भर देंगे, इसमें भी ऑप्शन होगा, मान लो ये 4 दिया है, 4 हो, -4 हो, 5 हो, -5 हो, तो 4 पर टिक करना है, इस तरह से सोल्यूशन निकलना। अब 7 / 0 अगर क्या हो, इसमें ऑप्शन दे दे, 0 दे, 1 दे, नॉट डिफाइंड दे, नॉन ऑफ दीजिए, तो इसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग डिवाइड नहीं कर सकते। अब आइए विच इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन इसमें ट्रू है, -11 > -8, तो नेगेटिव नंबर में जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा होता है, तो ये तो गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये जो है ट्रू है, जो ट्रू है वो कर देंगे। सम ऑफ टू इंटीजर इज 6, वन ऑफ देम इज -3, तो जो सम दिया है उसको पढ़ लिखेंगे, सम दिया है उसको पढ़ लिखेंगे, इसके बाद वन नंबर को माइनस कर देंगे, तो 6 --+3 = 9, ऑप्शन में 9 होगा, ये 9 को आप ठीक कर देंगे। सोल्यूशन करके निकालना है, सोल्यूशन करने के लिए
अमीरेट करें ऊपर वाला ये क्वेश्चन नंबर 12 माइनस 12 इनटू 6 माइनस 12 इनटू 4 ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है कि दोनों तरफ कौन कॉमन नंबर है। माइनस 12 कॉमन लिख लीजिए, की ब्रैकेट लगे, 6 है 6 रख दिए, यहां से हटा दिए तो 6 हुआ, ये माइनस लगे यहां से हटाएंगे ये 4 होगा, ये माइनस 12 या मल्टीप्लाई का सही होगा, माइनस 12 इंटू 6 में से 4 माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 20। किस तरह से मान लो ऑप्शन 4 कर दिया हो या 24 दिया हो, बीच में दिया हो माइनस 24, इसके बाद दिया हो माइनस 72 और 72 दिया हो, आपका आंसर क्या होगा माइनस 20। इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सोल्यूशन करना है, इसके बाद निकलना है। आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं। माइनस 27 इंटू माइनस 16 प्लस माइनस 27 इंटू माइनस 20, इसमें फिर यही माइनस 27 दोनों तरफ कॉमन है, इसको कॉमन कर देंगे कि दूसरे पैकेट में माइनस 16 प्लस से प्लस दिए फिर माइनस 40। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर से सब निकालेंगे, नेगेटिव होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे माइनस 30 हुआ। अब इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा 8 10। इस तरह से मान लो 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन कर देंगे इसमें 810 बी माइनस 810 सी 81 बी माइनस 80 कुछ भी हो तो जो आपका आंसर है इसी तरह से सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे यदि ब्लैंक किया हुआ है ब्रैकेट भाई माइनस 80 इक्वल टू माइनस 5, तो हमने बताया था आपको कि अगर डिविडेंड हो, डिविडेंड अगर यदि ब्लैंक पे है और डिवाइडर क्वेश्चन दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो डिविडेंड दिया है या डिवाइडर निकालना है तो ये क्वेश्चन से इसमें डिवाइड करना है, बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ऐसे भी अगर इक्वेशन में देखा होगा तो डिवाइड को इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई को इधर जाएंगे डिवाइड होगा, तो डिवाइड साइन है इधर आएगा माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा 90 माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर 90। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 90 बी में माइनस 90 या सी में दिया हो माइनस 80 का फॉर्म माइनस 5 डी में नॉन ऑफ डी, तो आपका आंसर क्या होगा 90। इस तरह से आप यह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने इस पैटर्न को समझ लिया और इसी पैटर्न पर आप रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव योर हैव योर।